गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो? बढ़िया हो? देखिए, कल हमने ब्लड रिलेशन में कोडेड फॉर्म के क्वेश्चंस का अध्ययन किया। हमने जाना कि कैसे बड़े आसानी से इस प्रकार के क्वेश्चंस का हम आंसर विद इन सेकेंड देते हैं। देखिए, कल ही के मैटर को थोड़ा सा और रिवाइज करते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं, ताकि वे बच्चे जो कल अटेंड नहीं कर पाए थे आज अटेंड करें और देखें कि कल किस प्रकार से हमने क्वेश्चंस को अंजाम दिया था। देखो बेटा, ये कोडेड फॉर्म है। ए माइनस बी का मतलब है ए पिता है बी का, ए पिता है बी का, राइट। इसके बाद ए प्लस बी का अर्थ है ए पुत्री है बी की, राइट। ए डिवीजन बी का अर्थ है ए पुत्र है बी का, और ए मल्टीप्लाई बी का मतलब है ए पत्नी है बी की। देखिए, मैंने आपको जेंडर, सबसे पहले आप जेंडर को, यानी मेल है या फीमेल है, इसको आइडेंटिफाई करें। दूसरा, आप जनरेशन गैप देखें। बस दो चीजें देखनी है। मैंने वेरी फर्स्ट डे पहले ही दिन, जिस दिन इंट्रोडक्शन कराया था इसका पूरा, उसी दिन आपको फैमिली ट्री के माध्यम से सारी चीजें सेट करना बता दिया था। अब देखिए, ये कंडीशंस हैं और ये हमारा क्वेश्चन है। देखिए ध्यान से, अब पी पोता या नाती है एस का। तो देखिए बेटा, पोता या नाती, अगर हम ग्रैंडसन बनाएंगे तो हमें क्या करना है, पी के पिता का पिता बनाना पड़ेगा एस, या नाती देखना है तो पी की मां का पिता, राइट। तो इस प्रकार से, अब देखो बेटा, मैंने क्या बताया था कि आपके समकक्ष जितने भी हैं सब जीरो लेवल पे आएंगे, आपसे ऊपर की जो जनरेशन है वो प्लस वन, और उससे भी ऊपर की है तो प्लस टू, आपसे नीचे की जनरेशन है माइनस वन, और उससे भी नीचे की है तो माइनस टू। आ जाइए, पहले आप यहां से जेंडर आइडेंटिफाई करो बेटा, पी पोता या नाती है तो हमको कौन चाहिए, मेल। अब हमने देखा कि पी प्लस, प्लस का क्या अर्थ है, पुत्री, ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। अब डिवीजन, अब पहला वाला पुत्र है दूसरे वाले का, तो पी पुत्री हो जाएगा, ठीक है। अब मल्टीप्लाई, देखो ये नहीं हो सकता, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, उन दो ऑप्शंस को निकाल देते हैं जो हमारे काम के नहीं है, दो या तीन जो भी हो। अब देखो बेटा, ये देखा हमने पी डिवीजन क्यू, तो देखिए पहला वाला पुत्र है दूसरे वाले का, अब ये पुत्र बना, तो हेलो, अब ये पुत्र है तो इधर देखो बेटा, इसका पुत्र है तो इसको हमने बंद दे दिया। मल्टीप्लाई पे देखो, ये पत्नी है पहली वाली दूसरे की, तो देखो बेटा, अब ये पत्नी है, पति पत्नी बराबर रैंक के होते हैं, तो यहां हमने इसको जीरो दिया। ध्यान से देखो, अब तो ये क्या हो गया, ये इसके माता पिता हो गए और ये बच्चा हो गया, ये हमें नाती पोता वाला सिस्टम तो नहीं मिला। आराम से देख लो, अपने आप ही निकल आएगा। तो देखिए बेटा, पी पुत्र है, पुत्र है, अब हेलो, किसका पुत्र है, तो ये जिसका पुत्र है वो ऊपर की जनरेशन है, क्लियर। प्लस, प्लस पर फिर देखो, अब ये पुत्री है किसकी, इसकी, तो इससे भी ऊपर की जनरेशन ये गई, तो आपको क्या चाहिए, पी के ऊपर दो जनरेशन आनी चाहिए, आपका आंसर बन गया। अब आप इसको वैसे देख लो, मैंने हर क्वेश्चन को ऐसे भी कराया है और उस तरह से भी कराया। देखो बेटा, डिवीजन में पहला वाला पुत्र है तो पी पुत्र बन गया, किसका पुत्र बना, क्यू का, क्लियर। अब देखो बेटा, प्लस, प्लस में पहली वाली पुत्री दूसरे वाले की, क्यू पुत्री हो गई किसकी, एस की। अब एस चाहे मेल हो या फीमेल हो, कोई भी व्यक्ति अपनी बिटिया के बच्चों को, अपनी बच्ची के बच्चों को क्या कहेगा, नाती कहेगा। तो देखिए क्या बन के आ गया, चूंकि आपको क्या चाहिए, मेल, मेल चाहिए, मेल, पी क्या होना चाहिए, मेल, पोता नाती, क्लियर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। तो आपका कौन सा वाला ऑप्शन आ गया भैया, थर्ड। आराम से देख लो बेटा, ये तो डिटेल में समझाया जा रहा है विद इन सेकेंड, कल भी मैंने बताए थे कि डायरेक्ट खोलेंगे ये, ठीक है, ध्यान दो इन चीजों पर।
यह पहला क्वेश्चन हो गया। अब मैं इसको हटाई देता हूं, ये कल वाला ही पार्ट में द्वारा आपको समझा रहा हूं ताकि नए बच्चे भी इसको आसानी से समझ लें। अब देखो बेटा अगला क्वेश्चन है आपका, टी पत्नी है पी की, टी पत्नी, पति पत्नी बराबर रेंज के होते हैं। अब आप देखिए टी पत्नी है पी की, तो हमको ये देखना है किस में टी। अब देखो बेटा इसमें टी लास्ट में आ रही है, ये हमारा किसी काम का नहीं है। इसमें टी लास्ट में आ रही है, ये ऑप्शन हमारा किसी काम का नहीं है, क्योंकि लास्ट में जिसका जेंडर हमको निकालना है और वो बंदा, अगर बंदा या बंदी जो भी है, पुरुष या महिला, अगर वो लास्ट में दे दी गई तो फिर हम क्या करेंगे, हम उसका जेंडर जानते ही नहीं है। लेकिन हेलो, कई बार ये इक्वेशन को उल्टा घुमा देता है, ये ध्यान रखना। अब टी पत्नी है पी की, तो अगर टी पत्नी है तो पी क्या हो गया, पति। अब आप एक एक करके इन्हें देखो, ये लास्ट में तीन में आ रहा है, मैंने कट लगा के रख दिया, पहले मैं इसको चेक कर लूं, अगर इसमें से ही मेरा क्वेश्चन सेट हो जाता है, आंसर निकल आता है तो ठीक है। अब देखिए प्लस में देखा तो पी पुत्री है, किसकी, टी की, राइट। अब पुत्री है तो आप टी की पुत्री है तो टी को एक दो दो, एक नंबर दे दो। अब डिवीजन देखो बेटा, अब यहां तो आप पति पत्नी बना रहे, ये तो संबंधी नाती नातिन के बन रहे हैं, ये हटा दो क्योंकि ये टी फिर पुत्र आ गया किसका, तो ये तो बनेगा ही नहीं, आउट कर दिया। अब इसको हमने देखिए, अब एक दो तीन, ये तो ऐसा है, अब तक तो हम लास्ट वाले को खड़ाखट फेंकते जा रहे थे, लेकिन आप ध्यान से देखो क्या कहां से उठ सकता है, ये ध्यान देना, ये इक्वेशन मूव करेगा कहीं ना कहीं। देखो पी मल्टीप्लाई, ध्यान से देखो बेटा, पी पत्नी है जबकि हमको पी पति बनाना है, कट मार दो, ज्यादा मेहनत मत करो। मल्टीप्लाई में क्या है, पहला वाला मल्टीप्लाई में पहली वाली पत्नी है जबकि हमको पी क्या चाहिए, पति, पत्नी तो टी बनेगी, कट। अब डिवीजन पे आ जाओ, देखो बेटा पी पुत्र हो गया एस का, ध्यान देना जिसको हमने लास्ट समझ के कट लगा दिया था उन्हीं में से निकलेगा आप कोई ना कोई, क्योंकि उसने उल्टा दिया है घुमा के, देने दो। पी डिवीजन एस, डिवीजन में पहला वाला पुत्र है तो इसका पुत्र है, देखिए। अब मल्टीप्लाई और ये बेटी है किसकी, अब देखिए मल्टीप्लाई में देखिए बेटा, सॉरी ये पत्नी है किसकी, टी की, ये नहीं बनी बात, इसको भी हटा दो, यहां आ जाओ, देखो ध्यान से। पी माइनस, माइनस का निशान, अब पी पिता हो गया, आप ध्यान से देखना बेटा, पी पिता हो गया किसका, एस का, आराम से देख लो। इधर देखो डिवीजन में एस पुत्र हो गया किसका, टी का, तो ये चूंकि जब इसका ये पिता है और इसका ये पुत्र है तो ये कौन निकल गया, आ गई मां, तो ये आपस में कौन हो गए, पति पत्नी। देखो इक्वेशन को कैसे घुमाया गया है, ऐसे भी क्वेश्चन मिल जाते हैं। ये दरअसल क्या था, इसमें इस तरह का था, इसीलिए मैं जानबूझ के इसको लेके आया, अन्यथा तो आपको मैंने क्लूकली पकड़ा दिया लास्ट में, कट 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 कट। अब ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, और यहां बन नहीं रहा है तो क्या, फिर ऑप्शन तो इसमें है, तो इसका मतलब बी अलर्ट, अब सावधान हो जाओ। एक बार जो कटे हैं वहां से जेंडर देखो, फटाक से हमने जेंडर चेक किया, मल्टीप्लाई का अर्थ है पहली वाली महिला कट, क्योंकि पी पुरुष होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से अब हमारे पास बचे दो, दो को हमने चेक कर लिया, निकल आया। तो आसानी से आप ऐसे क्वेश्चन के जवाब देंगे, ठीक है। ज्यादातर तो लास्ट वाले का जेंडर हम डिटरमिन कर ही नहीं पाते, लेकिन इसने जब चारों ऑप्शन गलत निकले हो रहे हैं तो फिर भाई आंसर तो इन्हीं में बैठा है, तो वहां आपको सावधान होकर के चेक करना है। अब देखिए इसी पर आधारित एक और क्वेश्चन लेते हैं, पी प्लस एस, पी प्लस एस माइनस टी। अब देखो बेटा, तो P का T से संबंध पूछा है, P का और T से, ये मुझे समझाना था बहुत अच्छे तरीके से। अब देखिए इसके ऑप्शन है बहन, पत्नी, पुत्र और पुत्री, ये मैंने सिर्फ आपके सेटिस्फेक्शन के लिए लिख दिया है, मैं तो आपको करा ही रहा हूं सवाल। बेटा P का T से,
तो आपको रिलेशन किसका निकालना है? पी का। अब सबसे पहले प्लस में देखिए, प्लस में देखा तो पी पुत्री है, हेलो इसकी। आप चाहो तो और भी क्लियर तरीके से लिख लो, सब पी पुत्री है, नीचे की जनरेशन हो गई। अब माइनस पे आ जाओ, पहला वाला पिता है तो एस पिता है किसका? टी का। लो अब सुनो बेटा, एस की पी पुत्री है तो पी का पिता कौन है? एस। इधर टी का पिता कौन है? एस। तो पी और टी आपस में कौन हो गए? भाई बहन। अब पूछा किसका है बेटा? पी का। तो पी कौन निकली? टी की बहन। कोई प्रॉब्लम नहीं। एक और इसी पर आधारित क्वेश्चन है, उसको लेंगे पहले, फिर हम इसको पलटेंगे, ठीक है? चलिए अब देखिए बेटा, क्लियर हो गया आराम से? ये चार ऑप्शन मैंने क्यों लिख दिए? ताकि आप आसानी से पहचान लें। चलिए अगला लेते हैं, देखो ध्यान से। P प्लस क्यू मल्टीप्लाई टी, ये इक्वेशन दे दिया एक। अब T का P से, वो कह रहा है कि T का और P से आपको संबंध निकालना है। मैं आपको ऑप्शंस भी लिखाई देता हूं, माता पिता पुत्र भाई, माता पिता पुत्र और भाई, सिर्फ करना सीखो बेटा आप। अब देखो, आपने देखा बेटा प्लस में पहला वाला क्या है? पुत्री है। अब टी का संबंध निकालना है, टी का। देखिएगा, ध्यान देना बेटा, आप ध्यान से देखिए। पी पहली वाली कौन है? पुत्री। लिख लो आप तो क्लियरली, जिससे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाए। क्यू की पुत्री है। मल्टीप्लाई में पहली वाली पत्नी है दूसरे वाले की। अब ये पत्नी है इसकी, तो ओब्वियसली ये कौन हो गया बेटा? पति हो गया। अब ये पति पत्नी हो गए, इनको एक अपने पेयर बना दिया। अब पूछ कह रहा है टी का, तो टी कौन निकला? पी का। कौन निकला बेटा? पिता। ऑप्शन आपका क्लियर, ठीक है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अब हम, जैसा कि हमने कहा था, ये तो हमारा जो हमने कल सीखा था उसी का थोड़ा सा रिकैप किया। आज हम संबंधों पर आधारित क्वेश्चंस की गणना करेंगे, उनको देखेंगे, सीखेंगे। अब चलिए लीजिए, मैं अगला क्वेश्चन लेता हूं। देखिए बेटा, यह क्वेश्चन है। अब इसमें ऐसे क्वेश्चनों में पहले से ही संबंध दे दिए जाते हैं, वो उसका भाई है, वो उसकी बहन है, तो इनको अपसेट करो और वैसे ही करना है जैसे जनरेशन गैप में मैंने आपको जो ट्री बताया था, ठीक है? जनरेशन गैप के हिसाब से एम डी की बहन है। बेटा हो, भाई बहन बराबर एक ही जनरेशन के होते हैं, तो एम डी की क्या है? एक एक लाइन पढ़ते जाओ, करते जाओ। एम डी की बहन है, लो जी ये बहन हो गई डी की। आर डी का भाई है। अब आर कौन है बेटा? डी का भाई। लो जी इसका भी जेंडर क्लियर हो गया, आर डी का भाई है। एफ एम का पिता है। अब एफ कौन है? एम का पिता। तो लो जी ये एम के पिता आ गए, पिता ऊपर की जनरेशन हो गए, प्लस वन में गए। अब बेटा जर अगर एम के पिता हैं, तो चूंकि ये तीनों के तीनों आपस में भाई बहन है, तो ये इसके भी पिता हैं, इसके भी पिता हैं। तो एफ एम का पिता और टी आर की माँ है। तो जब ये तीनों आपस में भाई बहन है और आर की माँ कौन है? टी, तो हेलो एफ और टी आपस में कौन हो गए? पति पत्नी हो गए। अब ये हमने फैमिली ट्री के हिसाब से रख दिया, जो मैंने आपको पहले दिन बताया। अब पूछता है कि डी का टी से, डी का जिसके पीछे ये का लग जाता है, हिंदी में हम वेरी इजीली उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, और वैसे तो उसकी भाषा देखो, तो डी का टी से क्या संबंध? टी से तो हमको जोड़ना है, तो टी माँ है,
इन तीनों की, बट इसका हमको जेंडर तो क्लियर है ही नहीं। तो बेटा हो, जब इन तीनों के ये माता पिता हैं तो इन दोनों की ये संतान है, तो या तो ये पुत्र है और या पुत्री। तो पूछा क्या है, डी का टी से डी का निकालना है, तो डी का क्या संबंध निकल के आया, हाउ डी इज रिलेटेड टू टी, आइदर सन और डॉटर, या तो पुत्र या पुत्री। क्लियर हो गया? ऐसे क्वेश्चन भी हमें, जो मैंने कहा था कि रिलेशन बेस्ड छोटे छोटे ये क्वेश्चन आ जाते हैं, आप आराम से पहले फैमिली ट्री के हिसाब से ने सेट कर दो। आपके आप भाई बहन, आपके कजिन सब एक रेंज के हैं, आपके माता पिता सास ससुर चाचा चाची ताऊ, ठीक है ताऊ तो आता ही नहीं इसमें, आपके बुआ फूफा तो आपसे प्लस वन हो जाएंगे, और दादा दादी नाना नानी है तो वो उनसे भी ऊपर अर्थात आपसे प्लस टू हो जाएंगे, बस इजिली सेट हो जाएगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्लियर हो गया, आ रहा है मजा? चलिए चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए देखिए अब एक और क्वेश्चन आ गया। देखिए, यदि एम एन का भाई है, बी एन का भाई है और एम डी का भाई है, तो निम्न में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य है? कौन सा कथन निश्चित रूप से, अब देखिए विच स्टेटमेंट इज डेफिनेटली ट्रू। अब देखिए बेटा, आप पहले इसको इसका सेट कीजिए। एम एन का भाई है, बराबर रेंज के हुए, एम किसका भाई है, एन का, जिसका आपको जेंडर क्लियर होता जाए रखते जाओ। एम एन का भाई है, इतना ले लिया। अब बी एन का भाई है, इधर बी भी भाई है, किसका है वो, एन का, ये भी क्लियर हो गया। और एम डी का भाई है, अब एम किसका भाई है, डी का, ये भी क्लियर हो गया। ठीक है, एम किसका भाई है, डी का, ध्यान से देखो बेटा। तो निम्न में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य है? अब ये हमने बना लिया, हमको इन दो व्यक्तियों का जेंडर तो क्लियर दिख रहा है, इन दो के बारे में हमें कोई नॉलेज ही नहीं है। तो देखिए, क्या एन बी का भाई है, कह नहीं सकते भाई है कि बहन है, हमें तो क्लियर उसने बोला है निश्चित रूप से सत्य कौन सा है, तो यहां तो हमको डाउट है, ये तो क्लियर नहीं है। एन डी का भाई है, अरे भाई एन का जेंडर ही क्लियर नहीं है, कैसे कहे भाई है या बहन है, दोनों में से कोई एक, बट क्लियर नहीं मालूम, तो यह जेंडर नहीं मालूम, ये भी गलत हो गया। एम बी का भाई है, देखिए बेटा ये क्लियर हो रहा है, बी का भाई है एम, क्लियर, एम बी का भाई है, ये ऑप्शन क्लियर हो गया। अब देखो, डी एम का भाई है, नहीं कह सकते, डी का हमें जेंडर ही क्लियर नहीं है, तो क्लियर हो गया आपको, देख लीजिएगा आराम से। अब हम थोड़े से इनसे बड़े क्वेश्चंस लेंगे इसी तरह के, लेकिन थोड़े बड़े क्वेश्चंस लेंगे, ठीक है, ये इस तरह से रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं। अब हम थोड़ा अगला क्वेश्चन लेते हैं जो थोड़ा सा बड़ा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन ले लिया, कुछ नहीं, चिंता तो करना ही नहीं है, लाइन वाइज चलते जाओ, सेट करते जाओ। देखो बेटा, ये अब थोड़ा सा पजल नुमा क्वेश्चंस, हालांकि ये तो छोटी सी है बिल्कुल, पजल में तो और भी इससे बड़े बड़े आएंगे, बट यहां से पजल नुमा क्वेश्चंस चालू हो चुके हैं। टी डी की बहन है, लो बेटा टी किसकी बहन है, डी की, डी का विवाह पी के साथ हुआ है, विवाह माने दंपत्ति बना दी हमने, अब डी का विवाह पी के साथ हुआ है, पी एम का पुत्र है, अब लो जी
ये किसका पुत्र है? एम का। तो ये कौन बन गया? डी का पति, और ये हो गई पत्नी। इसको हमने जोड़े को यहां सेट कर दिया। पुत्र किसका है बेटा? एम का। भाई किसी का पुत्र होगा तभी तो जाके किसी महिला का पति बनेगा। ठीक है, चलो क्लियर। हमने एक लाइन पढ़ी, फिर दोबारा देखो बेटा। टी डी की बहन है, टी बहन हो गई डी की, बहन भाई बराबर इक्वल रेंज में बैठेंगे। डी का विवाह पी के साथ हुआ है, अब डी का विवाह किससे हुआ है? पी से। पी एम का पुत्र है, और एम का पुत्र कौन हो गया? पी। यहां तक क्लियर। अब टी जे की माता है, टी कौन है? जे की माता। मैं जे को यहां देखो, ये दिख रहा है कि नहीं? टी जे की माता है, टी कौन है बेटा? जे की मां। क्लियर। और मैं छोटा कर देता हूं। अब देखो देखो बेटा, जे की मां। क्लियर। टी कौन है? जे की मां। बाई यू का पिता है। अब देखो बेटा, हमने अभी बाई और यू तो सेट नहीं कर सकते क्योंकि लिंक नहीं लग रही, तो इतनी सी लाइन को अभी हाल देखेंगे। बाई का केवल एक पुत्र तथा एक पुत्री है, ये भी लाइन अब अभी हाल देखेंगे। यू टी की पुत्री है, अब यू किसकी पुत्री है? टी की। मैंने यू को यहां रख दिया। यू टी की पुत्री है, क्यू डी का पुत्र है, अब क्यू कौन है? डी का पुत्र। लीजिएगा, अब इन लाइनों को ले लो। देखो बेटा, टी जे की माता है, तो जे की मां हो गई टी। बाई यू का पिता है, अब देखो बेटा यू का पिता, देखिए ये इस व्यक्ति की जे की मां कौन है? टी। और जे की पुत्री कौन है? यू। तो ये आपस में भाई बहन जो भी होंगे, और इन दोनों की ये मां है। अब देखो क्या कह रहा है, भाई यू का पिता है। अब यू का अगर ये पिता है तो यू की ये मां, तो एक ये जोड़ा बन गया। जोड़ा किसका बन गया बेटा? पति पत्नी का। ठीक है, और ये नीचे बच्चे भाई बहन में आ जाएंगे। तो देखो ये पति और ये पत्नी, महिला है बहन है, तो ठीक है। अब चलो बेटा, बाई का केवल एक पुत्र तथा एक पुत्री है, तो ये पुत्री हो गई, तो ये कौन हो गया? पुत्र हो गया। क्लियर हो गया, पूरा इक्वेशन बन के तैयार हो गया। क्लियर। अब ये पूरा सवाल हो गया। अब कुछ क्वेश्चंस, दो या तीन या चार क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं। हमसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, पी किस प्रकार टी से संबंधित है? पी, ये पी है और ये टी है। अब देखो पी की पत्नी कौन है? डी, और डी की बहन ये रही, तो ये टी इसको क्या कहेगी? जीजा, क्योंकि बहन का हस्बैंड है। और पी की टी कौन लगेगी? साली। तो उसने पूछा क्या है बेटा? पी का। तो हमको संबंध किसका निकालना है? पी का। तो हाउ पी इज रिलेटेड टू टी, तो पी कैसे रिलेटेड है? ये कौन बन के आएगा? जीजा। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन हो गया हमारा। अगला देखते हैं, जे किस प्रकार डी से संबंधित है? जे, जे ये रहा और डी ये रही। अब जे देखिए, जे की माँ है टी और उसकी माँ की बहन है डी, तो डी कौन लगी? मौसी। और मौसी का जे कौन लगेगा? भतीजा या भांजा। ठीक है, इन दोनों ऑप्शंस में से एक ले लेंगे हम। ठीक है, भतीजा या भांजा। चलिए अब क्यू किस प्रकार एम से संबंधित है? क्यू देखो बेटा, एम से संबंधित, एम देखो क्यू, क्यू का, क्यू किसका बेटा है? डी का। और डी का हस्बैंड कौन है? पी। तो इन दोनों का ये बेटा है, तो क्यू के ये माँ और ये पिता हो गए। अब पिता के, पिता किसके पुत्र हैं? एम के। तो हेलो, कोई बच्चा अपने पिता के माँ बाप को क्या कहेगा? दादा या दादी, क्योंकि इसका जेंडर क्लियर नहीं है भाई। अब हमसे पूछा है कि क्यू का एम से, तो हमें तो एम का तो हमें मालूम नहीं करना, बस एम तो दादा दादी में से कोई एक है।
संबंध तो हमें किसका निकालना है, क्यू का, तो क्यू कौन निकला, पोता, ठीक है, ग्रैंडसन। क्यू कौन हुआ बेटा, एम का पोता। तो ये इस प्रकार से वो तीन क्या चार भी पूछ सकता है, पांच भी पूछ सकता है, ये भी एक छोटी सी पजल नुमा एक क्वेश्चन है। इज दैट क्लियर, देख लीजिएगा ध्यान से, आप जनरेशन वाइज इनको सेट करते जाओ बेटा, और बस बहुत इजी होते हैं ये, ठीक है, तीन चार जो भी क्वेश्चन होंगे उनके आंसर लग जाएंगे, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, चलिए एक और बड़ा सा क्वेश्चन लेते हैं, चलिए देख लीजिए ध्यान से, अगर आपको समझ में आ रहे हैं तो ठीक है, जम के इसको लाइक और शेयर करें, शेयर अधिक से अधिक करें ताकि आपके और दोस्तों को भी इसका लाभ मिले, ठीक है। आज मैं बहुत सारे बच्चों के नंबर देख रहा था, हमारे इस एरिया में ऐसे बच्चे हैं बेचारे जिन पर एंड्रॉइड यानी व्हाट्सएप वाला मोबाइल भी नहीं है, तो प्लीज़ आप अपने मोबाइल में भी शेयर करा के उसे दिखाएं ताकि वो भी बेचारा, क्योंकि देखिए अब जगह लगातार लाइन से आने वाली हैं, अभी जेल प्रहरी की जगह तो कैलेंडर में डाल दी गई है, तो बहुत जल्दी ये आने वाली है, ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं बेटा, चलिए तू नहीं मुझको बोलने भी देगा दादा, देखिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी थोड़ा सा लैंग्वेज का ही सवाल है, ध्यान से देखते जाओ, लाइन टू लाइन पढ़ते जाओ और सेट करते जाओ। अपने बच्चों में दुर्गा के विशेष प्रिय हैं राम और लीला। देखिए अपने बच्चों में जो विशेष प्रिय है वो कौन है, राम और लीला। इसका मतलब एक आध और कोई बच्चा भी है, तभी तो ये भाषा यूज हुई। अपने बच्चों में दुर्गा के विशेष प्रिय राम और लीला हैं। लो जी ये दुर्गा है और उसके ये दो बच्चे, ठीक है, दो बच्चे देखो, ये राम और ये लीला, ठीक है, बच्चे ये नीचे की जनरेशन गई। लीला शरत की माँ है, लीला किसकी माँ है, शरत, देखो दिखाई दे रहा है क्या बेटा, शरत की माँ है, शरद कर दो, ठीक है, शरद की माँ है। शरद अपने मामा राज का बहुत प्रिय है। अब बेटा हो शरद का जो मामा होगा वो उसकी माँ का भाई होगा, तो इसका मतलब अपन ने पहले अर्थ निकाल लिया था ना, क्या देखो कि अपने बच्चों में दुर्गा के विशेष प्रिय हैं राम और लीला, इसका मतलब राम और लीला के अलावा भी दुर्गा का एक आध और बच्चा है, तो ये निकल आया। तो देखिए क्या बोला बेटा, लीला शरद की माँ है, शरद की माँ हो गई। शरद अपने मामा राज का बहुत प्रिय है, मामा कौन होता है, माँ का भाई, तो माँ के बराबर बैठ गया ये, देखो ध्यान से, बहुत प्रिय है। परिवार के मुखिया है भरतलाल। अब परिवार का मुखिया कौन है, हेड ऑफ द फैमिली कौन है, भरतलाल, जिनके उत्तराधिकारी उनके बेटे गोपाल और मोहन है। अभी कोई लिंक नहीं लग रही इनसे, गोपाल और मोहन भरतलाल के बच्चे हैं। गोपाल और दुर्गा 40 वर्ष से विवाहित हैं, ये आ गया। अब दुर्गा की शादी किससे हुई है, गोपाल से। क्या कहा उन्होंने, गोपाल और दुर्गा 40 वर्ष से क्या है, विवाहित है। तो लो दुर्गा और गोपाल का ये परिवार हो गया, लेकिन उससे ऊपर की लाइन पढ़ो बेटा, गोपाल और मोहन क्या है, जिनके उत्तराधिकारी किनके, भरतलाल के। तो भरतलाल को यहां रखो। अब भरतलाल के ये दो बच्चे हो गए, एक गोपाल और एक मोहन हो गए। भरतलाल परिवार के मुखिया हैं, ये लाइन सेट हो गई। देखो
जिनके उत्तराधिकारी उनके बेटे गोपाल और मोहन है। ये आ गए दोनों बेटे। गोपाल और दुर्गा 40 वर्ष से विवाहित हैं और दुर्गा के ये 3 बच्चे हैं, तो गोपाल के भी 3 बच्चे हो गए। अब चलिए, और उनके 3 बच्चे हैं, ये हो गए 3। राज का मोहन से, राज ये रहा, मोहन ये रहा। राज का, जिसके पीछे ये लैंग्वेज हिंदी में कहा जाता है, हाउ राज इज रिलेटेड टू मोहन, इंग्लिश में सीधा हो जाएगा। तो राज का संबंध निकालना है बेटा। अब निकालना किससे? मोहन से। तो देखिए, राज के लिए मोहन कौन है? उनके पापा का भाई, राज के पिता का भाई है। कोई बच्चा पिता के भाई को क्या कहता है? चाचा। लेकिन हमको रिलेशन किसका निकालना है? राज का। तो राज कौन लगा? मोहन का भतीजा। लीजिए, तो राज का क्या रिलेशन निकला? मोहन से भतीजे का। वेरी सिंपल, ये बेशक पजल नुमा है, अभी पजल नुमा तो खैर नहीं है, छोटे हैं, लेकिन रूप वैसा ही है पजल नुमा क्वेश्चंस का। तो आप लाइन टू लाइन पढ़ते जाओ और इनको करते जाओ, ठीक है? चलिए हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन।